हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सोर गेट एंड एक्सनोर गेट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सोर गेट से, और ये जो एक्स होता है ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव का, तो इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल पहले ड्रॉ करते हैं। इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल। तो ये सिंबल बताता है कि ये जो गेट है ये एक्सक्लूसिव और गेट है। इसमें हम कितना इनपुट देते हैं, दो इनपुट देते हैं, एंड बी टू इनपुट बिट होता है और वाई इज द आउटपुट बिट। तो ये जो गेट होता है ये भी एक मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट गेट होता है। तो एक सिंपल गेट से स्टार्ट करते हैं एक्सक्लूसिव और गेट का, जिसमें हम दो इनपुट देते हैं और एक ही आउटपुट पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आउटपुट मिलता है दैट इज मॉड्यूलो टू एडिशन ऑपरेशन। मतलब क्या होता है मॉड्यूलो टू एडिशन ऑपरेशन का, जो भी तुम इनपुट दोगे एक एक्सक्लूसिव और गेट को, वो क्या करेगा, उसका एडिशन करेगा। यहां पे देखो एडिशन लिखा है, तो आउटपुट पाने के लिए ये गेट क्या करता है, दोनों बिट का एडिशन करता है, और उसको एडिशन करने पे जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या करता है, यहाँ पे क्या लिखा है मॉड्यूलो टू, इसका मतलब होता है टू से डिवाइड कर देता है। तो जब तुम टू से डिवाइड करोगे ए और बी बिट का, तुमने क्या किया पहले, क्या किया एडिशन किया, उसके बाद क्या कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट आया उसको क्या कर रहे हो, टू से डिवाइड कर दे रहे हो। तो टू से डिवाइड करोगे तो तुमको कुछ रिमाइंडर मिलेगा, एंड दैट रिमाइंडर इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ ए एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एक एक्सक्लूसिव और गेट को ए एंड बी इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा बेस्ड ऑन दिस मॉड्यूलो टू एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, ए एंड बी दीज आर द टू इनपुट बिट, एंड वी नो देर आर फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल इफ देर आर टू इनपुट्स 00 01 10 11 बेस्ड ऑन 2 to the power 2। 2 to the power 2 कितना होता है, 4 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। 2 लिखना है और इसका पावर कितना लेना है, कितना तुम इनपुट दे रहे हो। अगर तुम 3 इनपुट दे रहे हो तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना पॉसिबल होगा, अगर जानना है तो 2 का पावर 3 लिख देना है। 2 का पावर 3 कितना होगा, 8 होगा, तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन हमारे केस में हम 2 ही इनपुट दे रहे हैं तो 2 का पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। इसका मतलब हमको 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो 00 01 10 11 ये 4 हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो एक्सक्लूसिव और गेट क्या करता है, जो भी तुम इसको इनपुट देते हो वो उसका एडिशन करता है, पहले उसका एडिशन करता है। तो ये अगर तुम 00 इनपुट दोगे तो वो क्या करेगा, 0+0 करेगा, और उसको क्या करेगा, 2 से डिवाइड कर देगा। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन होता है, तो एडिशन होता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको 2 से डिवाइड करता है। तो 2 से डिवाइड करो तो 0/2 कितना होता है, 0/2, 0 लिखे और यहाँ पे 2 लिखे, 2 0 0 0 0 0 0, तो ये है तुम्हारा रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आता है वही होता है आउटपुट ऑफ एन एक्सक्लूसिव और गेट। तो हम यहाँ पे y लिखे और आउटपुट कितना आया, 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। अब अगर तुम 0 0 इनपुट दे रहे हो, एक्सक्लूसिव और गेट क्या करता है, 0 को 0 से एड करेगा और उसको 2 से डिवाइड करेगा। तो 0+0 0 होता है, डिवाइडेड बाय 2 किए तो 0/2 0 और यहाँ पे 2 लिखे, 2 0 0 0 होता है। तो इसका मतलब 0 माइनस 0 0 0 इज द रिमाइंडर, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखे। अभी 0+1 करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। 0+1 1 आया, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है तुमको, 1 को 2 से डिवाइड करना है। तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 0 0 0 1 - 0 0। अभी यहां पे भी तुमको रिमाइंडर 0 मिला, ठीक है, रिमाइंडर कितना मिला, 0 मिला। तो यहां पे हमने रिमाइंडर लिख देंगे कितना, 0 नहीं सॉरी, यहां पे 1 - 0 1 आ रहा है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 - 0 की तो 1 मिला ना रिमाइंडर, तो इसलिए हम यहां पे 1 लिख दिए। अभी थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में क्या है, 1+0, थर्ड केस में 1 और 0 दे रहे हो, तो 1+0 करेगा और उसको 2 से डिवाइड करेगा। तो 1+0 1 और 1/2 कितना होता है, 1 लिखे और यहाँ पे 2 से डिवाइड किए,
टू जीरो जीरो वन माइनस जीरो वन, तो यहां पे भी हमको रिमाइंडर वन मिला। ठीक है, अभी लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस क्या है, वन एंड वन है, तो वन को वन से ऐड करना है, उसको क्या क्या करना है, टू से डिवाइड करना है। दो इनपुट बिट को ऐड करो, उसका जितना भी रिजल्ट आएगा उसको टू से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, जो रिमाइंडर आएगा वही तुम्हारा आउटपुट है। तो वन प्लस वन कितना होता है, टू होता है। टू से टू को टू से डिवाइड किए तो कितना आएगा, रिमाइंडर वन आएगा। टू बाय टू कितना होता है, टू बाय टू, टू वन जे टू जीरो, टू माइनस टू जीरो, तो ऐसे करके तुमको रिमाइंडर जीरो मिला। तो यहाँ पे जीरो लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मॉड्यूलो टू ऑपरेशन कैसे हो रहा है। तो ऐसे करके तुमको रिमाइंडर मिला और ये तुम्हारा ट्रुथ टेबल फॉर्मेशन हो गया। अभी देखते हैं ये वाई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वाई का एक्सप्रेशन कैसे पता चलेगा। जहां पे तुमको वाई वन मिल रहा है उस रो को तुमको पिक करना है, तो तुमको सेकेंड रो और थर्ड रो, ये दो रो में तुमको क्या मिला, वाई जो है उसको तुमको वन मिला है। तो अभी क्या करोगे, जहां पे ए वाले कॉलम में जीरो लिखा है उसमें तुम ए बार साइड में थोड़ा लिख दो, और जहां पे भी तुमको ए वन मिला है वहां पे तुम ए ही लिखो, कोई चेंज नहीं करो। वैसे बी वाले कॉलम में जहां पे जीरो लिखा होगा बी बार लिखना है, और जहां पे वन लिखा होगा वहां पे बी लिखना है। जीरो है मतलब बी बार लिखना है, वन है मतलब बी लिखना है। लिख दिए, ठीक है। अभी ये दो कॉलम को देखो ध्यान से, सेकेंड कॉलम में ए बार आया है और बी आया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो वाई का तुमको एक्सप्रेशन लिखना है, तो वाई इक्वल टू तुमको कौन से दो रो को पिक करना है, कौन से रो को पिक करना है जहां पे तुमको आउटपुट वन मिला होगा वही रोज को तुमको पिक करना है। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे कौन से दो रो में वन है, सेकेंड रो और थर्ड रो में आउटपुट वन है। ठीक है, तो इन्हीं दो रो से हमको वाई का एक्सप्रेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये जो सेकेंड रो है यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए बार और यहाँ पे बी लिखे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बार इंटू बी हो गया प्लस। अभी थर्ड रो के देखते हैं, थर्ड रो में क्या है, ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी बार है, सो ए इंटू बी बार। तो ये आया हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ ए एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक है, तो एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट का आउटपुट कितना होता है, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार होता है। तो ये मॉड्यूलो टू एडिशन ऑपरेशन करके हमने कैसे एक आउटपुट का एक्सप्रेशन फॉर्म किया, आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट। अभी एक सिंपल फॉर्म से समझते हैं कैसे आउटपुट आता है और इसका चेक करते हैं। देखो दो इनपुट होता है, एक होता है ए और दूसरा होता है बी, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। तो हमको पता है कि आउटपुट कितना आना है, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी आना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी इनपुट बिट होते हैं, अभी हम ए बी बार निकालते हैं। बी बार कितना होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो होता है बी बार। ठीक है, बी बार कितना होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी जहां पे जीरो होगा वो वन हो जाएगा और वन जहां पे होगा बी वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे करके हम बी बार निकाल दिए। ठीक है, बी का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज बी बार। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ए बार भी है तो हम क्या करते हैं, ए बार का भी निकाल लेते हैं। तो ए जहां पे जीरो होगा वहां पे वन आएगा, जीरो होगा तो वन आएगा, वन है तो जीरो आएगा, वन है तो जीरो आएगा। ऐसे करके ए बार भी निकाल दिए। अच्छा, अभी देखो ए इंटू बी बार हुआ है, मतलब ए इंटू बी बार, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए और बी बार का मल्टीप्लीकेशन। तो जीरो इंटू वन, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए इंटू बी बार निकालेंगे। तो ए इंटू बी बार क्या होगा, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो। तो ऐसे करके ए इंटू बी बार निकला। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ए बार इंटू बी निकालेंगे, ए बार इंटू बी। तो ए बार देखो कहाँ पे है, यहाँ पे ए बार है और यहाँ पे बी है, तो ये दोनों बिट्स को हमको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन
वन सॉरी यहाँ पे ए बार इंटू बी को मल्टीप्लाई करें ना, तो ए बार यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन वन, जीरो इंटू जीरो जीरो, और जीरो इंटू वन जीरो। तो ऐसे करके हमको ए बार इंटू बी भी मिल गया। तो अब देखते हैं इसका एडिशन होगा, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी करेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, एंड जीरो प्लस जीरो जीरो आया। ठीक है, तो ये आया हमारा एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट, जो ये है वो ही है तुम्हारा आउटपुट वाई। तो इससे हमको क्या पता चला, देखो जब तुम्हारा जो इनपुट होंगे वो अगर सिमिलर होंगे तब तुम्हारा आउटपुट जीरो आ रहा है, और अगर तुम्हारा इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट वन आया है। मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी को चेक किया जा रहा है, अगर तुम्हारा यहाँ पे जो दो इनपुट बिट दे रहे हो वो दोनों डिफरेंट बिट होते हैं, एक जीरो है और एक वन है, तभी जाके तुम्हारा आउटपुट वन आएगा। तो ये एक इनइक्वालिटी चेकर भी इसके लिए इसको बोलते हैं, इनइक्वालिटी को ये डिटेक्ट करता है। तो जब जीरो जीरो या वन वन तुम इनपुट दे रहे हो, सिमिलर इनपुट दे रहे हो, दोनों ही बिट तुम्हारा आइदर जीरो जीरो हो सकते हैं या तो वन वन हो सकते हैं, उस केस में तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है, सिमिलर इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट जीरो आ रहा है, मतलब तुम्हारा आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। अगर तुम आउटपुट लाना चाहते हो तो दोनों इनपुट को डिफरेंट देना है, अगर ए को जीरो दिए हो तो बी को तुमको वन करना पड़ेगा। अभी देखो ये दो इनपुट तुम्हारा डिफरेंट हो गया, एक इनपुट जीरो है और दूसरा इनपुट तुम्हारा वन है, तो इस केस में तुमको जो आउटपुट मिलेगा दैट इज हाई और वन। देखो यहाँ पे ए जीरो है और बी वन है और तुमको आउटपुट मिला है वन, ठीक है कि नहीं। तो ये तुमको बेसिकली कब आउटपुट दे रहा है, जब तुम्हारा जो इनपुट है वो डिफरेंट है तभी जाके ये तुमको आउटपुट दे रहा है, अगर सिमिलर इनपुट दे रहे हो तो इसमें तुमको कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। अभी इसका स्विचिंग सर्किट देखते हैं। देखो एक्सोर गेट का तुम अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे दैट इज एक्सनोर गेट, तो जो एक्सोर गेट का आउटपुट है उसको अगर तुम एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दो एक इन्वर्टर गेट को दे देते हो, ठीक है हमने इन्वर्टर गेट पढ़ाया था ना, तो अगर ये जो आउटपुट है इसको एक इन्वर्टर गेट को दे देते हो तो उसका जो आउटपुट होगा दैट इज एक्सनोर गेट का आउटपुट। दैट मीन्स अगर तुम ये निकालने के बाद क्या कर रहे हो, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हो, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ये अगर वाई है और यहाँ पे तुम वाई बार निकाले तो क्या आएगा, जीरो वन हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा और ये जीरो वन हो जाएगा। तो एक्सोर गेट से तुमको जो आउटपुट मिला अगर वो आउटपुट को तुमने कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो दैट आउटपुट एक्चुअली रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ ए एक्सनोर गेट, द आउटपुट ऑफ ए एक्सनोर गेट। और एक्सनोर गेट का सिंबल कैसे होता है, यहाँ पे सिर्फ एक बबल यूज हो जाएगा, एक्स्ट्रा बबल एड कर देंगे जो कि एक नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सोर गेट का जो आउटपुट है उसको अगर तुम एक नॉट गेट को दे देते हो तो उसका जो आउटपुट होगा, नॉट गेट का जो आउटपुट होगा दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट एन एक्सनोर गेट, और जिसका आउटपुट तुमको क्या मिल रहा है, वन जीरो जीरो वन। मतलब क्या हो रहा है, ये सिंपली जब तुम्हारा सिमिलर इनपुट है वो वन शो करा रहा है, तुमको आउटपुट में क्या मिल रहा है वन, मतलब तुम्हारा आउटपुट जो है वो हाई होगा। कब हाई होगा, जब तुम सिमिलर इनपुट दे रहे हो। तो ये एक इक्वालिटी चेकर के जैसे काम करेगा, इक्वल इनपुट दे रहे हो तभी जाके आउटपुट में वन मिलेगा, डिफरेंट इनपुट दे हो जीरो मिलेगा, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है नेचर में एक्सोर गेट का। एक्सोर गेट तो उल्टा काम करता था, ठीक है कि नहीं। एक्सोर गेट में क्या होता था, जब सिमिलर इनपुट देते थे तो जीरो आउटपुट आता था और डिफरेंट इनपुट के केस में वन आता था, लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, सिमिलर इनपुट दिया हो तो आउटपुट में वन मिलेगा। तो इसका मतलब ये इक्वालिटी को चेक कर रहा है, दोनों इनपुट बराबर है कि नहीं वो चेक कर रहा है, अगर बराबर है तो आउटपुट में वो वन शो करेगा। देखो अगर तुम इनपुट में वन वन दे रहे हो तो आउटपुट में वन आया, तो ये जो आउटपुट है दैट इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ ए एक्सनोर गेट, और ये जो आउटपुट है दैट इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ ए एक्सोर गेट, ठीक है। तो आउटपुट ये याद रखो कि एक्सोर गेट में तुमको आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो वन जीरो जीरो। तो अभी हम एक्सोर गेट का स्विचिंग सर्किट देखते हैं, उसका स्विचिंग सर्किट कैसे होगा।
बस यहाँ पे हमने आउटपुट लिखा है 0110। इसका आउटपुट है, ये है आउटपुट ऑफ ए एक्सॉर गेट। तो अभी हम क्या देखेंगे, इसका स्विचिंग सर्किट। जैसे हम एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट पढ़ाए थे, तो उन सारे गेट्स का एक स्विचिंग सर्किट होता था ना, वैसे ही ये एक्सॉर गेट का भी एक स्विचिंग सर्किट है। बस तुमको ये याद रखना है, एक्सॉर गेट का जो स्विचिंग सर्किट तुम बनाओगे, यहाँ पे तुमको क्या यूज करना है, बाई डायरेक्शनल स्विच को यूज करके तुमको बनाना है इसका स्विचिंग डायग्राम। तो यहाँ पे हम एक बाई डायरेक्शनल स्विच को लेना है, दो बाई डायरेक्शनल स्विच होंगे, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा बल्ब होगा, और ये सर्किट तुम्हारा कनेक्टेड रहेगा एक बैटरी के साथ। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सर्किट डायग्राम और स्विचिंग सर्किट डायग्राम ऑफ ए एक्सॉर गेट। तो देखते हैं कैसे काम करता है ये सर्किट। अगर तुम्हारा इनपुट 00 है, 01 है, 10 है और 11 है, ये इनपुट भी होते हैं ए बी, और ये तुमको आउटपुट में मिलता है। तो अगर तुम्हारा ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो ये तुम्हारा ए स्विच है और ये तुम्हारा बी स्विच है, और ए स्विच को तुमको 0 करना है, ए बिट को तुमको 0 करना है, तो ये जो पॉइंट है इसको यहां से कनेक्ट कर देना है, और बी बिट को भी 0 करना है, तो बी बिट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो स्विच है उसका ये दो पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे, और ये जो स्विच है इसका ये दो पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे। ये पॉइंट तुम्हारा बॉल का पॉइंट है, तो यहाँ पे ए सपोज एम लिखते हैं और एन लिखते हैं, सो एम एंड एन दीज आर द टू एंड्स ऑफ द बॉल। बॉल का जो एम एंड है उसको क्या करेंगे, ये जो स्विच है इसका 0 पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, और ये बॉल का जो एन एंड है उसको क्या करेंगे, ये वाले स्विच का 0 पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखो करंट फ्लो करेगा क्या, तुम क्या किए हो, बल्ब का एम पॉइंट को ऐसे शॉर्ट कर दिया हो, तो ये जो पॉइंट है वो कनेक्टेड हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी से, और जो दूसरा एंड है उसको भी तुमने क्या किया हो, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हो, तो क्या होगा, ये भी तुम्हारा कनेक्टेड हो गया टू द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। मतलब दोनों एंड में तुमको पॉजिटिव पोटेंशियल मिला है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एंड में अगर सेम पोटेंशियल होगा, क्या करंट फ्लो करेगा बल्ब में, तो बल्ब में अगर करंट नहीं फ्लो किया तो बल्ब ग्लो भी नहीं करेगा, तुमको आउटपुट में 0 मिलेगा, मिला है आउटपुट में 0, ठीक है। अभी देखते हैं 01 केस, मतलब ए तुम्हारा 0 से ही कनेक्टेड रहेगा, और बी जो है वो उसको तुम 1 से कनेक्ट कर रहे हो, बी पॉइंट्स को 1 से कनेक्ट कर दिए, तो क्या अभी करंट फ्लो करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि ये जो बल्ब है इसका एक एंड को तुमने क्या किया हो, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिए ऐसे, और जो ये एन एंड है, दूसरा एंड है, उसको क्या किए, 1 से कनेक्ट किए, तो ये जो 1 है वो तो कनेक्टेड है नेगेटिव पॉइंट से, तो इसका मतलब एक एंड को पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया और दूसरे एंड को नेगेटिव वोल्टेज मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, बल्ब से करंट फ्लो करेगा, है कि नहीं, फ्लो कैसे होगा, पॉजिटिव से करंट निकलेगा इस पाथ से होके, ऐसे होके फ्लो कर जाएगा माइनस को, तो बल्ब ग्लो किया सेकेंड केस में, तो इसका मतलब 1 आया तुमको आउटपुट में। अभी क्या करेंगे, ए को 1 कर देंगे, तो ये जो पॉइंट है इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो ए जो है वो 1 हो गया, और बी को तुमको क्या करना है, 0 करना है, तो बी स्विच को क्या करना है, 0 करना है, ये पॉइंट को यहां पे कनेक्ट कर देना है। तो अभी भी तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट बल्ब में, बल्ब का एक एंड को तुमने किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल से, और ये वाला एंड जो है इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव पोटेंशियल से, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं, बल्ब का ये वाला एंड जो है एन एंड है, इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया बाय कनेक्टिंग द स्विच टू द 0 पॉइंट, ठीक है। तो स्विच को आइदर हम 0 से कनेक्ट कर सकते हैं या तो 1 पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो अगर 0 से कनेक्ट कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ब का ये एंड है ये तुमने पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, और जब ये एम पॉइंट्स को 1 से कनेक्ट कर दिए तो तुमने क्या किया, ये माइनस पॉइंट को दूसरे एंड को दे दिया, तो बल्ब ग्लो करेगा, करेगा ना, क्योंकि बल्ब का अगर तुम एक एंड को पॉजिटिव पोटेंशियल से और दूसरे एंड को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हो बैटरी का, तो बल्ब ग्लो करता है।
तो इसलिए थर्ड केस में भी बल्ब ग्लो किया और तुमको आउटपुट में वन मिला। अभी देखते हैं लास्ट केस, लास्ट केस में क्या है, ए भी वन है और बी भी वन है, मतलब इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दैट मीन्स दोनों एंड को तुमने माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो कहाँ पे करंट फ्लो करेगा, एक एंड को जब पॉजिटिव में और दूसरे एंड को नेगेटिव में करते हैं तभी जाके तुम्हारा बल्ब ग्लो करता है। ये लास्ट केस में क्या हो रहा है, दोनों ही जो एंड है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, एम वाला पॉइंट भी तुमको माइनस में कनेक्ट कर दिए और जो एन वाला एंड है बल्ब का वो भी तुमने माइनस से कनेक्ट कर दिए बाय स्विचिंग द पॉइंट्स टू वन एंड हियर ऑल्सो। सो इन दिस केस द बल्ब विल नॉट ग्लो एंड यू विल गेट एन आउटपुट जीरो। सो दिस स्विचिंग सर्किट एग्जैक्टली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन एक्सॉर गेट, हाँ कि नहीं, एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है वो ये सर्किट कंप्लीटली मैच करा रहा है, वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि एक एक्सॉर गेट बिहेव कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया, एक एक्सॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, ए इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, इसको हमने मॉड्यूलो टू एडिशन ऑपरेशन से रियलाइज किया, हाँ कि नहीं। उसके साथ साथ एक ट्रूथ टेबल बनाए थे, ठीक है, उसके हिसाब से भी हमने चेक किया कि ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी अगर हम निकालेंगे तो जीरो वन वन जीरो ऐसे करके आ रहा है, फॉर जीरो 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 वन वन जीरो वन वन इनपुट, अगर तुम जीरो जीरो दे रहे हो तो आउटपुट में जीरो आया, जीरो वन दिए तो वन आया, वन जीरो दिए तो वन आया और वन वन के केस में जीरो आया। तो इसका केस, इसके केस में क्या हो रहा है, बेसिकली अगर तुम सिमिलर इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट जीरो आ रहा है और डिसिमिलर इनपुट दे रहे हो, डिफरेंट इनपुट दे रहे हो, तब वो आउटपुट में वन दिखा रहा है। तो इसलिए इसको इनइक्वालिटी फंक्शन से भी कंपेयर किया जाता है एक्सॉर गेट को, और इसका जो स्विचिंग सर्किट है हमने यहाँ पे डिस्कस किया, स्विचिंग बिहेवियर ऑफ ए एक्सॉर गेट। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सनॉर गेट का जो स्विचिंग सर्किट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक्सनॉर गेट को फिर से थोड़ा, आज तो पढ़ा है थोड़ा एक्सनॉर गेट के बारे में, लेकिन उसको फिर से स्टार्टिंग से डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करने के साथ साथ उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे फिर से, और उसका जो स्विचिंग सर्किट होगा उसको फिर से ड्रॉ करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।